वेलकम बैक नाजी। अब तबसब मुल्तान शहर जी, मुल्तान शहर की बात करें, मुल्तान शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला गया, मुल्तान शहर में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो कितनी अच्छी हो गई, मुल्तान शहर में जो सीवरेज का निज़ाम है वो कितना आला हो गया, मुल्तान शहर की जो सड़कें हैं वो वाकई जेन्युइनली पेरिस बन गई हैं और यहाँ पे गर्द और गुबार का कोई नामो निशान नहीं होता। और ये जो हमारे एमपीएस दोस्त हैं, इन्होंने सदियों पुरानी जो रिवायत थी गर्द गदा गर्मा गोरिस्तान वाली, उस शहर को पूरा का पूरा उड़ा के रख दिया और मुल्तान में अब गर्द भी नहीं होती, गर्मी उनके बस में नहीं है, तो गर्मी में इजाफा ही हुआ है। वो जिनकी वजह से हुआ है वो भी एक अलग कहानी है, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। कमिटमेंट्स गलत की जाती हैं। नदीम कुरैशी साहब को ले लें, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि सामने वाले के जो तमाम बखिया है वो देड़ के रख देते हैं, कोई दूसरी नहीं, ये उनकी क्वालिटी है। लेकिन इस क्वालिटी का मुजफ्फराबाद रहने वाले, अंदरून शहर रहने वाले, मुमताज़ाबाद रहने वाले शहरी को क्या फ़ायदा है? कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है। लाबर साहब की बात कर लेते हैं। लाबर साहब की पोजीशन ये है सर कि लाबर साहब को चलें, लाबर साहब के साथ सारों सबकी कंबाइन कर लेते हैं कि जब ये 2018 के इलेक्शन हुए उससे पहले इनमें से कितने लोगों को मुल्तान की आवाम जानती थी, या इनके क्रेडिट के ऊपर खड़ा क्या था? कुछ दोस्तों के क्रेडिट के ऊपर सियासी खानवादों का निशान लगा हुआ था, मतलब एक दो पे, और बाकी जो है वो दीगर पार्टियों से आए, एक दो दो मेरे ख्याल में शायद हैं हमारे तहरीक इंसाफ के सबका एमपीएस, उनके अलावा तो सारे दीगर पार्टी दीगर पार्टी। अब जब वो दीगर पार्टियों से आए तो भाई उनकी तरबियत किस तरह हुई हुई होगी, जिस तरबियत को वो लेके आए, झूठ बोलना है, आवाम को दगा देना है, फ्रॉड करना है, गलत बयानी करनी है, चर्ब जबानी से काम लेना है, जलसे में खड़े होकर तू तू मैं और पता नहीं क्या कुछ करके वोट लेके आप आ गए। मुल्तान का कोई एक एमपीए, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ और ललान कह रहा हूँ बतौर साफ़ी, कि मुल्तान का कोई एक एमपीए अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हटा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एबीसीडी, दीगर जमातों के टैग हटाएं और आज़ाद हैसियत में कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ये सीट निकाल के दिखा दें, मुमकिन ही नहीं है। अब इस वक्त तो कुदरत का ऐसा कोई अजीब सा सिलसिला बन गया कि अगर कभी ऐसा हुआ कि गैर जमाती बुनियादों पे इंतखाब हुए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हुए या कभी ऊपर हुए, तो मुझे तो इनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। सर इसमें मेरा एक जी इख्तलाफी पॉइंट इनसे, जी जी आप कह रहे हैं ना सिर्फ पीटीआई के एमपी एमएनएस की कारकर्दगी देखें, तो उससे पहले कि अगर आप इलेक्शन देख लें 2013 का देखें, 2018 का देखें, आप समझते हैं कि 2008 का ख़ास तौर पे जब उसके बाद बीबी की शहादत होती है तो फिर सिनेरियो भी बदल जाता है, पीपल्स पार्टी मंजर पर मतलब उस तरह नहीं थी, बीबी के आने के बाद पीपल्स पार्टी फिर इन हुई सियासत में, फिर उनकी शहादत हो गई तो फिर वो इलेक्शन ही जीत गए। तो यहाँ हर टन्योर में जमातों का टेम्पो बनाया जाता है, या इनफरादी आप मुझे बताएं सिवाय गिलानी ख़ानदान के या यूसुफ गिलानी की ज़ाती शख्सियत के, उनके ख़ानदान में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो अगर अकेला खड़ा हो जाए बगैर किसी जमात के निशान के तो जीत जाए, आपके शाह महमूद नहीं जीत सकते बगैर जमात के निशान के, वो तो उसकी बेटी तो जमात के निशान के साथ भी नहीं जी सकी नहीं उसकी तो और वजूहत भी है ना सर, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हर टन्योर में और हर इलेक्शन में। अच्छा जी सर, आप 18 की अगर बात करते हैं, 13 की बात करते हैं या 2008 की बात करते हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट किसी जमात को भी नहीं मिला। देखिए 13 में से 10 एमपीए, 6 एमएनए में से 6 एमएनए आपके, और 13 के बाद वो 18 के बाद आप सिर्फ मुल्तान पे फिर क्यों रहते हैं? आप फिर पूरे जनूबी पंजाब की तहरीक पे देखें ना, जो सुबह जनूबी पंजाब तहरीक थी उसमें भी आप आ जाए ना, उसमें भी तो उसमें भी पीटीआई, उसमें हमने एक अलग प्रोग्राम रखना है। अच्छा मेरा सिर्फ ये था कि मुल्तान नहीं पूरे जनूबी पंजाब की कारकर्दगी देखें, फिर वही जनूबी पंजाब की देखें, उसमें भी अगेन वही है कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में आपका अगर सीट कंपेरिजन देखें 13 में से 10 वो नहीं है, डीजी खां में देख लें तो वो नहीं होगा, भावलपुर में देख लें वो नहीं होगा, यहाँ वाला जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है। देखिए प्रोविंशियल आपके जब 18वीं तरमीम आ गई, आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आपने नया प्रोजेक्ट नहीं लगाना कार्डियोलॉजी का, आप बंदे के पुत्र बने कम अज़ कम ये निस्तर को ही ठीक कर लें, यहाँ से कुत्ते बिल्ले निकाल लें और आप खुद जाके वहाँ इलाज करवाएं, आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसको ठीक कर लें, आप आपके प्राइवेट माफिया जो है आपका उससे आप जान छुड़वा लें। त्रिन साहब एक छोटी सी बात करूं, जहाँ पे हमारे एमपीएस ब्यूरोक्रेसी पे इतना दबाव डालते हों कि फिलहाल जगह पे जो पार्किंग है उसका ठेका अच्छा इसके अलावा वो आपकी बात काट रहा हूँ दावी साहब की, लेकिन मेरा ये पॉइंट है
आपने कहा ना हस्पताल ठीक कर लें, तो हस्पतालों से बात आई कि भाई जब नून लीग की हुकूमत होती थी या मियां बिरादरान या इनमें से कोई भी बीमार होता था तो ये इत्तेफाक हस्पताल चले जाते थे, सरकारी अस्पताल तो ये तब भी नहीं जाते थे। अच्छा उसके बाद खान साहब मतलब दो दफ़ा वो शौकत खाना में वो शौकत खाना चले जाते हैं या मुल्क से बाहर सारे चले जाते हैं। इस सारे सियासतदानों को तो फ्री इलाज की सहूलत मौजूद है, आवाम को फ्री इलाज की सहूलत जो है उस तरह से मुयस्सर नहीं थी, लेकिन ये सेहत कार्ड ने किसी हद तक जो है ना नहीं वो सेहत कार्ड वाला एलिमेंट डिफरेंट है जी, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जो उसने आप देख लें कि जो इन्वायरमेंटल था, जो उसका दफ्तरों का था, जैतून के प्रोजेक्ट से उसने लंगर खाने अपना, लेकिन इससे जो ये सब सिस्टम तो नहीं ठीक होता। देखिए सिस्टम तो वहीं का वहीं करप्ट खड़ा हुआ है। पुलिस आप देख लें, आप पटवारियों को देख लें, आप वापडा को देख लें, आप सारे डिपार्टमेंट देख लें, जहाँ पे आपका रोज़गार का सिस्टम है, वो जहाँ पे आपको जान माल इज्जत की आपका जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मैं ख्याल में पहले भी काफ़ी दफ़ा कोर्ट कर चुका हूँ, ये 25 मई को जब खान ने लॉन्ग मार्च निकालता लाहौर में तो पुलिस ने ऐसी तैसी फेर दी। मेरे ख्याल में हर PTI के वर्कर से पूछ रहा हूँ और मैंने उससे पूछ रहा हूँ कि जी वो असद उमर ने ट्वीट की जी पुलिस जुल्म कर रही है जी हमारे कारकुनों पे, तो मैंने कहा कि जी आप पुलिस को ठीक कर जाते ना 3 साल 8 महीने में, जो खान का विजन था कि जी हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है, इसके अलावा हल कोई नहीं है मुल्क को ठीक करने का। एक मिसाल देखें ना, 3 साल चले पंजाब में तो 3 साल थे ना, 3 साल KP में तो 2 टेन्योर गुजार, दूसरा टेन्योर जा रहा है, ठीक है, दूसरा टेन्योर कंप्लीट तकरीबन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, 10 साल कंप्लीट होने वाले। हम कंपैरिजन की तरफ निकल जाते हैं, कंपैरिजन अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बुनियादी तौर पे उस अपने इलाके में अपने हलके में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में जितना किरदार उस शहर के CPO का है उससे कहीं ज़्यादा किरदार बतौर अवामी नुमाइंदा उस MPA का भी है। Exactly. अगर MPA सिर्फ इस चक्कर में ना रहे कि यहाँ पे उस शख्स को SHO लगा दो और उस शख्स को मुहर लगा दो और मेरे कहने पर फिलहाल को पकड़ लो और मेरे कहने पर फिलहाल को छोड़ दो, इससे निकल के अगर वो CPO के दफ्तर में चला जाए और उससे ये कहे मोहतरम CPO साहब मेरा हलका है और इस हलके के हदूद में ये 2 थाने हैं या 3 थाने हैं या 4 थाने हैं, इन 4 थानों के हदूद में अगर क्राइम रेशो बढ़ेगी, यहाँ वारदात होगी, तो फिर आपके साथ मेरी जो गुफ्त शनीद है वो इस अंदाज में नहीं हो सकेगी, फिर तो शायद मामला कहीं बेहतर हो जाते। लेकिन जब आप जाएँ और CPO एक अवामी नुमाइंदे को 60-70-80-90 हज़ार लाख वोट लेने वाले शख्स को बाहर वेटिंग रूम में बिठाए, क्यों बिठाएगा? वो उस वक्त बिठाएगा जब उसको पता है कि ये साहब जो मेरे पास आए हुए हैं ये अवामी मसाइल की बात करने नहीं आ रहे। इसकी तो कई मिसालें मौजूद हैं, अपना ऐसे जो लगवाने के लिए आ रहा है। ज़बान ऐसा आम है कि जब जनूबी पंजाब का कोई MPA वज़ीर आला का नाम नहीं लेता, सबको पता है, उनके पास जाया करता था तो 4 बंदे और भी साथ लेके जाता था इलाके के, और वो जब वहाँ जाके अंदर कागज़ भेजता था तो फौरन वज़ीर आला कहते इसको जल्दी से भेज दो, तो साथ वालों को ये प्रेशर पड़ता था यार बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है कि हमारे MPO को उसने जो बाहर दूसरा गुजरात का या अपर पंजाब लाहौर का बैठा हुआ उसको 3 घंटे से बिठाया हुआ और हमारे को फौरी बुला लिया। तो जब वो चीज़ें खुली तो उसका मकसद था उसने कहना यार ये पटवारी तुम जो है ना इसको उठा लें आधे सितार को आने के लिए या थाने के कल्चर के लिए। तो जब 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 इंतहाई माजत के साथ जब जब आप अवामी मफाद को अपने उस एक वोटर की इज्जत को और उस एक वोटर के मसाइल को हल करने की नीयत नहीं करेंगे, फिर चाहे तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात हो, वो सिर्फ हमारा तमाशा बनाएगी बतौर अवाम, वो अवामी मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखती होती। अच्छा जो सब ये जो अब पाकिस्तान पीपल पार्टी है, कायद साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक तो और बंदे भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी नेक्स्ट PM जो है ना जी वो बिलावल ही है और बिलावल ही इस कैपेसिटी में है कि जी मुल्क को क्राइसिस से निकाल सके। कैसे निकाल लेगा? कुछ सियासी चमत्कार ही हो सकता है सर, अदरवाइज जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर तो आप नहीं कह सकते। क्योंकि देखें ना, अगर हाँ उसमें अगर सिंध में पीपल्स पार्टी का जैसे होल्ड है या जो भी सिस्टम है और बलूचिस्तान में अगर वो सीटें अपनी बना लेते हैं, कुछ उनके लीडर उसमें पीपल्स पार्टी में शामिल भी हुए हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं उसमें, अगर तो वो वहाँ से बहुत अच्छी सीटें लेके आ जाते हैं तब भी पीपल्स पार्टी अलहदगी में मतलब एक अलग जमात के तौर पे तो वज़ीर आज़म नहीं बना सकती, कुलेशन में आएगी, कितनी सीटें जीत लेगी सर? अब 336 में से कितनी सीटें ले लेंगे सर? मतलब अगर पंजाब उसके पास नहीं है, पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कितने MNA आप पीपल्स पार्टी के जीत सकते हैं सर इस सिनेरियो में? मुझे वो शख्सी बुनियाद पर कुछ MNA जीत सकते हैं
अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी पे अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में कोई एक दो सीटें निकल सकती हैं, अदरवाइज लोग पीपल्स पार्टी का नाम वैनिश हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे अभी तावी साहब, ये एक मरियम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लॉन्चिंग भी उसकी हो रही है और सारा कुछ उसमें हो रहा है, तो ये आप एक साइड पे ये कोलिशन जमाते हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, इसकी मीनिंग्स क्या बनती हैं कि एक पार्टी कहती है कि जी बिलावल जो है ये मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकता है, दूसरी साइड पे मरियम मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकती है, साथ कट्टे कट्टे खड़े हैं। देखे ना, पहली बात तो इसको क्लियर कर लेना तीन साहब, ये कोई एक दूसरे की मोहब्बत में इकट्ठे नहीं हुए, सही बात, ये मजबूरन इकट्ठे हैं और इनको बड़ी अच्छे तरीके से ये इदराक है कि जिस खदशे के तहत, जिस खतरे के तहत, वो खतरा इमरान खान है पाकिस्तान तरीके, उसको तो सियासत ही नहीं आती ना जी, वो तो अभी तक कहते हैं सारी पीडीएम कि खान को सियासत करने नहीं आती, सियासत नहीं आती, लेकिन खान ने ऐसी शानदार सियासत तो पारल्ट कर ली कि उसने 13-14 पार्टियों को आगे लगाया फॉर्म पे खड़ा कर दिया, और वो भी उन पार्टियों को जो शायद एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है आज या कल, बहरहाल जब हम इस खतरे से निकल आए, अगर हम इस खतरे से निकल आए, लफ्ज अगर पे मेरा जोर है, अगर हम इस खतरे से निकल आए तो जाहिर है फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि एक प्राइम मिनिस्टर की सीट है उसके ऊपर बिलावल भी बैठा हो और उसके ऊपर मरियम भी बैठी हो, ये तो मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूँ, योगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंजुम फितावी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मोहसिन तरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।